आज होम्योपैथिक चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से हम जानेंगे डॉक्टर नवीन चंद्र पांडे द्वारा विभिन्न बीमारियों का होम्योपैथिक पद्धति से उपचार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पांडे होम्योपैथिक पद्धति द्वारा बीमारियों का इलाज लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है डायरिया, पेचिस लगना। पेचिस लगने के ऊपर आपको मेडिसिन बताने जा रहा हूँ और होम्योपैथिक में इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है और बहुत जल्दी इसमें ठीक हो जाता है। जैसे पेचिस में लगातार लैट्रिन आती है, टॉयलेट लगातार आने लगती है, हर घंटे घंटे से आती है। इसी तरह से कई लोगों को पतली स्टूल बहुत लिक्विड बेस में आता है और पतला होता है और साथ में दिन भर में 3-4 बार आता है, तो इसमें भी ये मेडिसिन बहुत फायदेमंद होगी। चलिए दवाई नोट करिए। सबसे पहले बैकवी नंबर 9, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर बैकवी 9 आप ले रहे हैं, अगर पेचिस 3 बार हो रही है तो गोली भी 3 बार लीजिए, अगर 4 बार हो रही है तो 4 बार लीजिए, 6 बार हो रही है तो 6 बार लीजिए। जल्दी जल्दी लीजिए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ में इंट्रोडिन, ये एलन कंपनी की इंट्रोडिन करके मेडिसिन है, इसके बहुत प्यारे रिजल्ट हैं, बहुत से रिजल्ट हैं। इसकी इंट्रोडिन को 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दिन में, 20 बूंद शाम को 3 बार लीजिए। अगर पेचिस ज़्यादा होती है, 5-6 बार पेचिस हो रही है, पतली हो रही है, तो हर घंटे घंटे से ले सकते हैं, आधे कप पानी मिलाते हुए 20 बूंद सुबह दिन में शाम को। अगर छोटा बच्चा है तो उसको, अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसको 5-6 बूंदे दीजिए, अगर 5 साल से बड़ा बच्चा है तो 10 बूंद के आसपास दीजिए, बड़ा आदमी है तो 20 बूंदे हर घंटे घंटे से, अगर पेचिस होने में हर घंटे घंटे से दीजिए। और अगर स्टूल कम पतली हो रही है तो 3 बार से भी काफ़ी अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से जो अगली मेडिसिन है वह है होलरियाना। होलरियाना क्यों में तो कड़वी होती है, तो इसको छोटा बच्चा है तो 4 बूंद दीजिए, अगर बड़ा बच्चा है 6 बूंद तक दे सकते हैं, अगर आदमी है तो 8 बूंद 10 बूंद दीजिए, और दिन भर में 3-4 बार भी दे सकते हैं, बस इसको 3-4 बार ही दीजिएगा। पर इनको आप इंट्रोडिन को और साथ में बैकवीन नंबर 9 को जल्दी जल्दी रिपीट करिए। अगर पेचिस हो रही है तो जल्दी जल्दी, और खूब पानी पीते रहिए, खाली पेट बिल्कुल मत रहिए, और बहुत अच्छा इससे लाभ मिलेगा आपकी 1-2 बार। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इमरजेंसी में हर एक को इंट्रोडिन और बैकवीन नंबर 9 अपने घर पर रखनी चाहिए, ताकि कभी भी रात भी रात कभी बे टाइम में अगर पेचिस लग जाते हैं तो उसमें फटाफट ये मेडिसिन लेंगे तो आपको तुरंत ही लाभ मिल जाएगा। और साथ में होलरियाना को दिन भर में 3-4 बार तक लेंगे, 10 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम, रात, 4 बार। अगर छोटा है, कोई बच्चा छोटा है तो 4 बूंद, बड़ा है तो 8 बूंद, और उससे ऊपर का हो तो 10 बूंद 12 बूंद भी आप ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।